इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज. एजुकेशन विद मोरल वैल्यूज, द ओनली इंस्टीट्यूशन विद ऑल लेटेस्ट फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, एक्सपीरियंस टीचर्स, एयर कंडीशन हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द एरिया. दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानी. राधा मेकओवर्स, एचडी ब्राइडल मेकअप, 3D मेकअप, एयरब्रश मेकअप एंड लॉट्स मोर. राधा अग्रवाल, नीता कॉलोनी, मऊरानीपुर. 9936049643, 9415944071. होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन. शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें. होटल काव्या, स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर. कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 0517826015. चोरी करोगे तो होगी हर मनोकामना पूरी. सिद्धपीठ चूड़ामणि देवी, उत्तराखंड. कहा जाता है कि चोरी करना महापाप है. बड़े बड़े चोर भी भगवान के घर चोरी करने से डरते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जिस मंदिर में चोरी करने से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती है? यकीनन यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन सच यही है. इस धार्मिक स्थान पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लोगों को चोरी करनी होती है. हालांकि हम सदैव अपने बच्चों को चोरी ना करने की नसीहत देते हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के एक मंदिर की कहानी इससे जरा हटके है. माना कि चोरी करना पाप है, लेकिन हमारे देश के उत्तराखंड में एक अनोखा मंदिर है, सिद्धपीठ चूड़ामणि देवी का मंदिर. कहा जाता है कि इस मंदिर में चोरी करने से हर शख्स की मनोकामनाएं पूरी होती है. यह मंदिर रुड़की के चुड़ियाला गांव में स्थित है. लोगों की मान्यता है कि देवी मंदिर में पुत्र रत्न की इच्छा रखने वाले पति पत्नी माथा टेकने के लिए आते हैं. मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को पुत्र की चाहत होती है, वह जोड़ा यदि मंदिर में आकर माता के चरणों में लोकड़ा यानी लकड़ी का टुकड़ा चोरी करके अपने साथ ले जाए तो बेटा होता है. उसके बाद बेटे के साथ माता पिता को मंदिर में माथा टेकने आना होता है. कहा जाता है कि पुत्र होने पर भंडारा कराने के साथ ही दंपति अषाढ़ मास में ले जाए हुए लोकड़े के साथ ही एक अन्य लोकड़े को भी अपने पुत्र के हाथों से चढ़वाना नहीं भूलते. गांव के लोगों का कहना है कि सिद्धपीठ चूड़ामणि देवी मंदिर का निर्माण 1805 में लिढौरा रियासत के राजा ने कराया था. एक बार राजा शिकार करने जंगल में आए हुए थे. घूमते घूमते उन्हें माता की पिंडी के दर्शन हुए. राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा ने उसी समय माता से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मन्नत मांगी. कुछ समय पश्चात राजा के घर एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ. राजा की इच्छा पूरी होने पर उन्होंने यहां मंदिर का निर्माण करवाया. यहां के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है. कहा जाता है कि माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज माता सती ने यज्ञ वेदी में कूद कर यज्ञ को विध्वंस कर दिया था. भगवान शिव जब माता सती के मृत शरीर को लेकर जा रहे थे, तब माता का चूड़ा इस घनघोर जंगल में गिर गया था, जिसके बाद यहां पर माता की पिंडी स्थापित होने के साथ ही भव्य मंदिर का निर्माण किया गया. यह प्राचीन सिद्ध मंदिर कालांतर में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र था. माता के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं. कई कथाओं और ग्रंथों के अनुसार चूड़ामणि देवी मंदिर देवी सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है. यह मंदिर रुड़की से 19 किलोमीटर दूर भगवानपुर के चुड़ियाला गांव में स्थित है. यहां पहुंचने के लिए रुड़की रोडवेज बस अड्डे से भगवानपुर आना पड़ेगा. इसके अलावा ट्रेन से भी यह मंदिर तक पहुंचा जा सकता है. हालांकि चुड़ियाला स्टेशन पर केवल पैसेंजर ट्रेनों का ही ठहराव है.
जिनकी संख्या भी बहुत कम है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।